अगली जनरेशन एमिनेम 50 सेंट और ये सब आए। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल। क्या हाल चाल है हमारी जनता के? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइज, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और गाइज, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो बहुत खास है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आज हम जिस आर्टिस्ट के गाने पर रिएक्ट करने वाले हैं वो हम दोनों के बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट है। और मेरे को पूरा पता है कि जितने व्यूवर्स देख रहे होंगे जो हिप हॉप से प्यार करते हैं यार, अगर वो इस आर्टिस्ट से प्यार ना करते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज हम लेके आए हैं उस इंसान का गाना जिस इंसान ने DHH टर्म दिया, देसी हिप हॉप टर्म दिया, और उसके बाद से जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स में गाने आते हैं रैप के अंडर वो DHH में ही बोले जाते हैं, राइट? तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं बोहेमिया पाजी की। तो गाइस, आज हम उनका एक गाना पिक करने वाले हैं जिसका नाम है एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार है। गाइस, ये गाना बहुत हिट है, बहुत फेमस है, और मुझे भी बहुत पसंद है, भाई को भी बहुत पसंद है। एंड इसका जो म्यूजिक लिरिक्स है वो सब बोहेमिया का है, उन्हीं का प्रोडक्शन है, जैसा कि आपको पता है काली देनाली म्यूजिक, तो उसी से ये गाने की सारी जानकारी है। और गाइस, इस गाने की रिकमेंडेशन हमारी तो थी, एक हमारा छोटा भाई है, प्यारा सा भाई, उसकी रिकमेंडेशन भी थी, वो भी चाहता था कि ये करे, और उसका नाम है सिद्धार्थ थपलियाल। तो भाई, ये शाउट आउट तेरे लिए है, ठीक है? और आज हम बोहेमिया पाजी का गाना पिक कर रहे हैं, एंड आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ को ये पसंद आएगा एंड बाकी हमारे सारे व्यूअर्स को भी ये रिएक्शन पसंद आएगा, राइट? तो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट प्यारे प्यारे बोहेमिया पाजी के लिए एंड उनकी थोड़ी सी जानकारी उनके गाने के बारे में। आप कुछ जानकारी आपको देंगे चैनल के बारे में। सो भाई, लेट्स गो बैक वंस अगेन। और भाई, DHH के पायनियर जिन्होंने वर्ल्ड कॉइन किया था, हम बोहेमिया पाजी की बात कर रहे हैं, और आज उन्हीं का एक हमने ट्रैक उठाया है बिल्कुल एक तेरा प्यार। तो गाइस, चलिए इस पर रिएक्ट करते हैं, होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से, तो वहां भी जाके हमें फॉलो करिए। और अगर आप स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी हिप हॉप पॉडकास्ट भी सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस। तो चेक इट। तो चलिए गाइस, लेट नहीं करते हैं और सीधे करते हैं रिएक्ट। बोहेमिया पाजी इन द हाउस, पाजी भी देखो ना कितने यंग है ऐसे। देखो गाइस, देखो पाजी जब आप वर्ड स्टार्ट कर ही रहे हैं अपना सीने तो कट ले या दिल दिल, पर उससे पहले हम ये पाजी के बारे में बोलना जरूर चाहेंगे यार, है ना? एक बात है ना यार, मतलब बोहेमिया से पहले ना, बोहेमिया पाजी से पहले ना, हम सिर्फ इंग्लिश गाने सुना करते थे, इंग्लिश रैप सुना करते थे, प्योर हमारा 50 सेंट, एमिनेम, टूपाक, इजी, ये लोग हमारे, ये चल फिर अगली जनरेशन एमिनेम 50 सेंट और ये सब थे, हम यही सुनते थे, हमें पता नहीं था कि हम इवन हनी सिंह का भी हमने क्यूट वॉल्यूम 2 सुना था, तब हमें लगा था कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो हमें नहीं पता। पर जब मैंने बोहेमिया को पहली बार सुना था भाई, मैंने कहा भाई कुछ हो रहा है भाई, इधर सब सही बात है, हम लोग चल रहा, मतलब हम लोग को लग गया था भाई कि कुछ आ गया, अगले 10-15 साल में कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया देसी, और वो हुआ भी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान। और बोहेमिया पाजी वैसे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद अभी जैसे यंगस्टर्नर्स हैं उनके साथ भी इनका, बोहेमिया पाजी के साथ एक कोलैब गाना है उनका, तो यार पाकिस्तान हिप हॉप की बात करें तो ये सबसे बड़े पायनियर हैं उधर से जो निकल के आए हैं। और आज DHH का जो, जैसे भाई ने कहा कि जो DHH वर्ड है देसी हिप हॉप, वो बोहेमिया पाजी ने ही क्वाइन करा था, वो ही बताया था। और अभी उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू, और मैं सच बता रहा हूं, अगर देखा जाए तो उस समय हम दोनों ही हिप हॉप जो सुन रहे थे वो वेस्टर्न हिप हॉप सुन रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, और उस समय तो पूरा बोहेमिया को जब हमने पहली बार सुना तो जिस तरीके का कनेक्शन हमारा बोहेमिया के साथ हुआ, क्योंकि यार हम उससे पहले सिर्फ इंग्लिश हिप हॉप, और उस समय छोटे भी काफी थे हम लोग, अपने स्कूल
कॉलेजेस वाले थे भाई, कॉलेज में टाइम पे वो थे, मैं स्कूल में था और भाई उस समय क्या हाइप आई यार जब भाई और बोहेमिया को जब सुना ना हमने, क्योंकि यार ही वाज स्पिटिंग सम फैक्ट्स जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल तगड़ा स्पिट कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले ऐसा जो रैप हमें सुनने पूरा नहीं मिला, सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, नेप हॉप शायद थोड़ा बहुत उस समय रहा होगा स्टार्ट, नेप हॉप था उस समय स्टार्ट हो चुका था, पर बाकी और कोई सीन ही नहीं था। और इनका जब गाना है काली देनाली गड्डी दे शीशे काली गड्डी दे शीशे काले और भाई का कार पंप कर रही है, मैंने कहा भाई ये तो सिर्फ स्नूप डॉग के वीडियोस में देखा था, ये क्या कर रहा है भाई बंदा। पर फिर उसके बाद जब इसके बाद इनके गाने सुने ना कई आने वाले सालों में, तो फिर इनकी लिखारी पता चली कि किस तरीके, और भाई मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, उसमें इन्होंने बताया था कि इन्होंने ना उर्दू और पंजाबी सीखी, क्योंकि ये कनेडियन कनाडा में रहते हैं, वहाँ है पाकिस्तानी ओरिजिन, कनेडियन में बैठक हुए हैं, तो इन्होंने पंजाबी सीखी, पंजाबी में रैप करना शुरू किया, फिर उसको उसमें फिर उर्दू को अमलगमेट करना शुरू किया। तो फिर आप आने वाले सालों में देखोगे आप इनके रैप्स तो नेक्स्ट लेवल ही है गाइज। और आपने एक और चीज नोटिस करो, देखो जिस समय ये गाना बनाया गया उस समय पे आप देखिए वो कार जो है बिल्कुल वो कर रही है जैसे एडी गरेरो की कार करा करती है WWE में, तो उसी तरह का वो, और वीडियो की क्वालिटी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, और वो यहाँ से धुआं छोड़ा गया है वो बिल्कुल, और बीच में शेपिंग दी गई है जिसके बीच में, तो वीडियो इतना प्यारा बनाया ना कि आज भी सुनने में मजा आता है। और लिखारी तो भाई नेक्स्ट लेवल है, बचपन की यादें जुड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग कनेक्शन है, एक कनेक्शन है, एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। एंड दूसरी बात जो ये गाना है वो पूरा प्यार के ऊपर है भाई, कि तेरे प्यार मतलब बस एक तेरा प्यार, वही वाली बात है गाइस। तो चलिए आगे रिएक्ट करते हैं वर्ड्स। जब सोचा तेरे बारे में होए तेरा साथ, फिर जिंदगी मेरी बारी नहीं यारी, या फिर मौत भी नहीं प्यारी, तेरे पीछे जैसी मांगे छड़े दवा में दुनिया ऐसा ही। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे वो यही बोल रहे कि एक तेरा प्यार अगर मुझे मिल जाएगा तो बस मेरे को दुनिया से क्या लेना है, ये आपका जो हुक चल रहा है ठीक है, जो लेडी वॉइस में है ठीक है। एंड अब बाकी जो वर्ड्स की बात करें तो भाई बहुत ही भारी वर्ड्स है, और कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं, वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल कि भाई तू ही है, बस एक तू ही है जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। मैं बोहेमिया के बारे में क्या बोलना है, हाँ, वैसे तो देखिए यार एक्सप्लेनेशन का कोई वो बनता नहीं है, पर एक बात कहना चाहूंगा ना, आप सीख सकते हो, अगर आप सीख रहे हो, अगर रैप करना शुरू कर रहे हो ना, देखो ना किस तरीके से पॉजेस ले रहे हैं कहीं पर, किस तरह से घुमा रहे हैं, घुमा रहे, वर्ड प्ले देखिए आप इनका, और राइमिंग्स देखिए कितनी अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप उनको देखिए ना किसी तरीके से उन्होंने लिखा, किस तरह से उन्होंने की दुनिया, कभी तू दुनिया के सामने तो अलग है, कभी मेरे से भीड़ से अलग आके मिल तो तुझे पता चलेगा मेरे प्यार की क्या वैल्यू है, कितना गहरा प्यार है तेरे लिए मेरा। तो मतलब कई कई जगह पे उन्होंने अपने वर्सेस पे इतनी भारी भारी लाइनें लिखी है ना। और यार देख हमारे लिए ना बोहेमिया इज लाइक एन इमोशन, क्योंकि हमारा बचपन हमारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है वो, मतलब आप लगा लीजिए उस समय पे यार ना फोन होते थे ना वैसा कुछ होता था स्कूल टाइम्स में, वो गाने हम अपने डेस्कटॉप्स वगैरह में सुनते थे, और वही, और ये उस जनरेशन से आते हैं जब ये कनाडा में मतलब कनाडा में ना ये हसल कर रहे थे रैपर्स के बीच में, इन्होंने ना लिटरल हसल की है, स्ट्रीट हसल जिसे बोलते हैं, वहां पर रैपर्स के बीच में और रैप करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो, जो वहां के वो हैं टू पाक वगैरह उनके वो भी वो रहे हैं, ये मतलब देखा हुआ है उसी जनरेशन के टाइम से ये वो देखते आए हैं इनके कई वो, आप देखोगे तो ये इन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी काफी बताई है वहां की स्टोरीज भी, यस 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 यस। तो बहुत ही तगड़ा यार वो जो, और देखिए पूरा वर्ड्स का जो है वो पूरा थीम ही इसी प्यार के ऊपर है, और बहुत ही खतरनाक लिखा हुआ है यार, मतलब ना एक इमोशन है, मैं बोलता रहा हूँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो इमोशन है, और हमारे लिए वो हमेशा बेस्ट ही रहा है यार, तो बिल्कुल। इनके गाने को एक्सप्लेन भी क्या करना है यार, इनका गाना इज बियॉन्ड जजमेंट, बिल्कुल किसी रिव्यू के कोई जरूरत नहीं है इनके गाने को, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल, ये फादर ऑफ DHH हैं यार, अब इनको वो नहीं कर सकते ठीक है। चलिए गाइस आगे एंजॉय करते हैं, रिएक्ट क्या करेंगे।
बहुत गहरी बात कही है पाजी ने ये कहा है कि देख तेरे पीछे पीछे लौंडे भागते हैं घूमते फिरते हैं दूसरों के गाने सुनाते हैं, मैं तेरे साथ आता हूँ, तेरे को अपने मैं तेरे लिए गाने लिखता हूँ। तो तू डिफरेंस समझ कि उनके प्यार और मेरे प्यार में क्या डिफरेंस है। तो वही, और उनके जो हुक का वो भी आ रहा है ना, वो भी यही आ रहा है कि एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, अगर तुझे वैसा शिकारी पसंद है तो मैं खड़ा हूं, मैं हूं तेरे लिए, आके मिल मुझसे। तो बहुत गहरा लिखा हुआ है गाइस, बहुत गहरिया, मतलब एक और एक ओल्ड स्कूल बीट है पीछे उसमें, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना फुली उसको बीट को आपको हिप हॉप बीट के साथ मिक्स करके और पीछे पूरा ओल्ड स्कूल फील देके और फिर बाकी बोहेमिया पाजी का यही फ्लेवर मिक्स करके, तो भाई बहुत अच्छा करते हैं ना बोहेमिया, बहुत ही सही भी रहती है। या जिस तरीके की राइमिंग स्कीम्स अगर आप देखोगे इनका, तो राइम बहुत अच्छा करवाते हैं, मैं आपको वर्ड प्ले बहुत तगड़ा बिल्कुल है। और भाई आपने देखा होगा कंपाउंड राइमिंग भी करते हैं पाजी ना, बहुत कंपाउंड राइमिंग में खेलते हैं उनके जो वर्सेस के होते हैं, और थोड़ा ना शायरी वाला भी सीन रहता है पाजी का, शायरी वाला सीन। हाँ, और शायरी वाला सीन इन्होंने एक्चुअली ना शुरुआत में इतना नहीं रहता था इनका। हाँ, पर धीरे 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 इन्होंने वो करते गए ना, जैसे निकले ना, तो एक अलग तरीके के ये मतलब आर्टिस्ट उभर के निकले, मतलब जैसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं, एंजॉय। दिखा मैं गीत तू बन मेरी मीत कर अमर है प्रीत, देसियां दी रीत रग रग च प्रीत, जो तू मांगे मैं करा तेरे अमर है ये गीत, जग दी चिन्ह ना छट अप धोबे फटाफट छट मंगनी व्या फट बिना खटपट करिए नवी जिंदगी, पट मंगनी बिना खटपट छट मेरा साथ तू। ये देखो ना जैसे एक लड़की का वो आ रहा है सिर्फ ना, और उसके पीछे फिर वो स्क्रीन को दिखा रहे हैं। एक इनका वो भी सुनना मुकाला जो इनका और एक इनके साथ इनका हाजी 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 हाँ हाजी स्प्रिंगर हाजी स्प्रिंगर हाजी। अभी तो हम स्टार्ट एक थोड़े पुराने उससे चलेंगे हम और फिर आगे वो भाई। अरे गाइस मतलब क्या ही बोले ना, क्या तो बोले, क्या ही बोले ये हम तो हमारे तो दिल में बसा है ये गाने, और ये गाने में हम मतलब जिए हमने ये गाने यार। ये एक बचपन जुड़ा है इसके साथ, और बस एक चीज है अगर हमारी ये बात पाजी तक पहुंच जाए तो वो ये कि पाजी अपनी कोई ईपी कोई नई एल्बम निकालो जो प्योर आपकी हो, जिसमें आपके गाने हो बस ना आप। हाँ यार कोलैबोरेशंस हो गए बोहेमिया पाजी का, ये है कि कोई कोई अपनी ईपी निकल के आए ना बीच में रैप कर देंगे, अपनी ईपी अपनी एल्बम निकालो ना यार, पाजी आदमी हो यार पाजी वो निकालो, बहुत टाइम से वेट है। और जो भी है फैंस आप लोग भी पाजी के पास ये चीज मैसेज करें और कमेंट पे जरूर लिखें कि भाई पाजी ये नई ईपी नई एल्बम निकालो बस, बढ़िया करके एक ऑनलाइन पेटिशन डलवानी पड़ेगी कि पाजी एक एल्बम तो लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब काफी टाइम से पाजी का कोई वैसा ट्रैक नहीं है, अपनी एल्बम नहीं है अपनी ईपी, तो वो आ जाए तो मजा आ जाएगा यार। ठीक है, तो गाइस बाकी ये गाने तो सारे हैं, ये अभी हमने एक गाना पिक करा, अभी हम इसके बाद बहुत सारे जैसे उम्मीद है, बहुत सारे और ट्रैक है, काली देनाली है, बहुत सारे ट्रैक्स है जिनको हम पिक करने वाले, और बोहेमिया पाजी के हम बहुत सारे गानों को रिएक्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे और सबसे ज्यादा इंजॉय करेंगे, राइट। तो गाइस होप आपको हमारा रिएक्शन में मजा आया होगा, आज हम लेजेंड को लिविंग लेजेंड को पाइनियर ऑफ DHH को लेके आए हैं, होप आपको मजा आया होगा, इस गाने में भी मजा आया होगा, वैसे तो सब ने इनके गाने सुन रखे हैं। बाय द वे बाय चांस अगर भूल चूक से आपने नहीं सुना है तो जाके इनके ऑफिशियल चैनल में गाने को जरूर चेकआउट करें, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारा रिएक्शन चेक करिए, बोहेमिया पाजी के फैंस का रिएक्शन आप चेक करिए कि हम कितना उन्हें प्यार करते हैं और कितना उनके काम से हम इत्तफाक भी रखते हैं, राइट। तो बस आइए और इंजॉय करिए, और अगर आपको हमारा रिएक्शन और काम पसंद आए तो एक हार्ट इमोजी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा गाइस, राइट। तो गाइज हम फिर
अब हम वापस चलते हैं एंड फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, एक नए आर्टिस्ट और एक नए फ्लेवर के साथ, राइट? सो टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय सियाराम.